नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू हेल्प में। सेना के बाद अग्निवीर की तर्ज पर बैंकों में भर्ती होगी। दोस्तों आपको बता दें, जिस प्रकार से सेना में अग्निवीर की भर्ती की जा रही है, उसी की तरीके से दोस्तों अब बैंकों में भी भर्ती की जाएगी। कब से की जाएगी दोस्तों, इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, किस आधार पर नियुक्त की जाएगी, किस आधार पर मानदेय दिया जाएगा, किस आधार पर क्या योग्यता मांगी गई है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ देने वाले हैं। तो इस वीडियो पर आप अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि हमारे इस चैनल पर आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, हम आज के उस अपडेट की तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक पेपर की कटिंग है दोस्तों। सेना के बाद अग्निवीर की तर्ज पर बैंकों में भी बहाली, ये जो अपडेट है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से निकल कर आ रही है दोस्तों। एक खबर थोड़ी दिन पुरानी है, लेकिन दोस्तों हम आज इसका वीडियो बना रहे हैं। सेना में अग्निवीरों की तर्ज पर अब बैंकों में भी कर्मचारियों की बहाली होगी। यह कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट कहा गया है कि ये कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रखे जाएंगे। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपना खर्चा कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए एक कंपनी अलग कंपनी शुरू करने जा रहा है। स्टेट बैंक की ऑपरेशन और सपोर्ट सब्सिडी को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। शुरुआत में है कंपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में कर्मचारियों का प्रबंधन करेगी। बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों की मानो तो यह एक कदम उठाकर बैंक अपना कास्ट टू इनकम रेशियो को कम करना चाहता है, जो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ऊंचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे देश में SBI ने बैंक शाखाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित कर रखा है। चारों वित्तीय वर्ष 22-23 की पहली तिमाही में SBI के कुल ऑपरेशन खर्चे में वेतन का हिस्सा करीब 45.7% था और सेवानिवृत्ति लाभ व अन्य प्रोविजन की जिम्मेदारी 12.4% है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी ने बताया है कि स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज जिन कर्मचारियों की नियुक्त करेगी, वो सभी नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होंगी। अनुबंध के आधार पर नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को SBI के स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ नहीं मिल सकेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर SBI में नियुक्ति की जाएगी और इनको जो वेतन दिया जाएगा वो दोस्तों अनुबंध के आधार पर इनको वेतन दिया जाएगा, और जो SBI के स्थायी कर्मचारी हैं उनको जो लाभ मिल रहे हैं वो लाभ इनको नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों इसकी भर्ती की बात करें तो अभी इसके लिए यहाँ पर एक जानकारी दी गई है। इसकी भर्ती प्रक्रिया जब शुरू होगी तो दोस्तों हम उसका वीडियो आपको अलग से बना देंगे। अगर दोस्तों आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।